सात अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 4 अगस्त को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। लगातार 3 दिनों की गिरावट से उभरते हुए बेंचमार्क इंडेक्स 4 अगस्त को बढ़त के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी 19,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। वहीं सेंसेक्स 480.57 अंक बढ़कर 65,721.25 और निफ्टी 135.30 अंक बढ़कर 19,517 पर बंद हुआ है। लगभग 2,177 शेयरों में बढ़त देखने को मिली, जबकि 1,296 शेयर गिरे हैं। वहीं 139 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की बढ़ोतरी हुई है। सिप्ला, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, विप्रो और भारती एयरटेल निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि SBI, बजाज ऑटो, BPCL, NTPC और मारुति सुजुकी निफ्टी के टॉप लूजर रहे। बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 अगस्त को बढ़कर 304,00,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 3 अगस्त को 302.29 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4 अगस्त को करीब 1.71 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 7 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। इस पर रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि हालिया गिरावट के बाद बाजार में 4 अगस्त को राहत देखने को मिली। बाजार में 4 अगस्त को 0.50% की तेजी देखने को मिली। बढ़त के साथ शुरुआत के बाद निफ्टी पूरे कारोबारी सत्र में एक दायरे में घूमता रहा और अंत में 19,518 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरल मोर्चे पर देखें तो बाजार में मिला जुला रुझान देखने को मिला। 4 अगस्त को IT, फार्मा और बैंकिंग ने अच्छा प्रदर्शन किया। बॉर्डर मार्केट में भी तेजी रही। निफ्टी ने 19,300 के सपोर्ट से वापसी की है, लेकिन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी 20 EMA को फिर से हासिल करने में विफल रहा है। हमें आगे की रिकवरी के लिए इससे ऊपर स्टेबिलिटी की जरूरत है। ऐसा ना होने पर फिर से गिरावट शुरू हो सकती है। हालांकि हमें ग्लोबल इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उनका तेजी का रुझान अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। इससे कुछ राहत मिल रही है। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में चुनिंदा शेयरों पर ही दाव लगाने की सलाह हुई, साथ ही बहुत अग्रेसिव पोजीशन लेने से भी बचना चाहिए। वहीं शेयर खान के जतिन गेड़िया का कहना है कि निफ्टी बढ़त के साथ खुला और दिन के ज्यादातर हिस्से में मजबूती दिखाते हुए लगभग 130 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। इस हफ्ते के दौरान तेज बिकवाली के बाद निफ्टी हफ्ते के आखिरी दिन कारोबारी सत्र में नुकसान को कुछ कम करने में कामयाब रहा। हालांकि वीकली आधार पर निफ्टी लगातार दूसरे हफ्ते लाल निशान में बंद हुआ। 19,560 से 19,600 के जोन में पुल बैक के खत्म होने की संभावना है। ऐसे में इस बाउंस में बिकवाली की सलाह होगी। आवरली मोमेंटम इंडिकेटर भी संतुलन रेखा तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि पुल बैक लगभग पूरा हो गया है। यहां से फिर करेक्शन आ सकता है। कुल मिलाकर बाजार का ट्रेंड अब भी नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी नीचे की तरफ 19,100 के स्तर पर जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी पुल बैक देखने को मिला है, हालांकि इसमें बड़े ट्रेंड रिवर्सल की संभावना नहीं है। पुल बैक के 45,100 से 45,200 की रेंज में कमजोर होने की उम्मीद है। यहां से बैंक निफ्टी में भी करेक्शन का नया चक्र शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर रुझान अभी भी नेगेटिव है और हमें उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 44,000 तक जा सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।